नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। पश्चिम बंगाल में हो रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याओं को रोकने में विफल ममता बनर्जी सरकार को तत्काल बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री रमाशंकर कौशिक ने हमारे संवाददाता जावेद सईद खान से बातचीत करते हुए कहा कि बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को बंगाल में बढ़ती हिंसाओं को रोकने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार लगातार हिंदुओं को लक्ष्य बनाकर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन कर रही है। हिंदुओं और विशेषकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। इंडिया खबर लाइव के लिए बरेली से जावेद सईद खान के साथ उमेश गंगवार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में निरंतर हिंदुओं के उत्सव और लक्ष्य बना करके हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की निरंतर लगातार हत्याओं के विरोध में हम सब लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। अभी 8 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन बंधु प्रकाश पाल, उसकी पत्नी ब्यूटी पाल 8 माह की गर्भवती थी और उसका पुत्र आंगन पाल की घर में घुसकर चाकुओं से गोद करके निशंसता पूर्वक उसकी हत्या की गई। हम निरंतर अपराधियों का संरक्षण कर रही ममता बनर्जी की यह सरकार, किसी भी कीमत पर हम उसे देखना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि वहाँ पर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, इसलिए इस देश के मूल नागरिकों की निरंतर हो रही हत्याओं के विरोध में हम सब लोग यह मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जिससे वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो।